ट्रिग्नोमेट्री दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो ट्रायंगल और एक ज्योमेट्री। ट्रायंगल और एक ज्योमेट्री, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज और ज्योमेट्री मतलब हिंदी में ज्यामिति कहते हैं। और ज्योमेट्री में से भी कौन सा पोर्शन, क्वाड्रेंट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, चतुर्थांश। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ट्रायंगल दो चीजों से मिलकर बना है, एक सॉरी ट्रिग्नोमेट्री दो चीजों से मिलकर बना है, एक आपका ट्रायंगल, दूसरा आपका ज्योमेट्री। ठीक है, ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होता है। न्यून कोण त्रिभुज क्या क्या होता है, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होता है। राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल या अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसका एक एंगल या एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, जिसका एक एंगल या एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो हमको इन तीनों त्रिभुजों में से एक त्रिभुज काम का है, हमारे ट्रिग्नोमेट्री में इन तीनों त्रिभुज में से एक त्रिभुज काम का है, वो भी कौन सा, दैट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। कौन सा ट्रायंगल काम का है, राइट एंगल ट्रायंगल, या जिसे हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। यहां तक क्लियर हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री के दो पोर्शन जैसे ट्रायंगल और ज्योमेट्री में से, ट्रायंगल में से भी क्या लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ज्योमेट्री के पोर्शन वाली बात करेंगे, ज्योमेट्री का पोर्शन कौन सा आता है इसमें, ज्योमेट्री का पोर्शन आता है इसमें क्वाड्रेंट, जिसे बोलते हैं चतुर्थांश। जैसे आपने पहले शुरू में पढ़ा होगा कि दो एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। ठीक है, ये होता है प्लस एक्स एक्सिस, ये होता है माइनस एक्स एक्सिस। इसके ऊपर जाएंगे, जैसे इसको बोलते हैं ओरिजिन या पॉइंट, इसको बोलते हैं ओरिजिन या मुख्य बिंदु। ठीक है, ओरिजिन से ऊपर की ओर जाओगे तो प्लस वाई एक्सिस, ओरिजिन से नीचे की ओर आओगे तो माइनस वाई एक्सिस होता है। ठीक है, इसको यदि डिग्री के बेस पे पढ़ा जाए तो ये होता है आपका 0 डिग्री, यहाँ पर आता है आपका 90 डिग्री, यहाँ पर आता है आपका 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री, और यहाँ पर आप फिर से उसी पॉइंट पर जाओगे तो 360 डिग्री। मतलब ये पूरा कंप्लीट सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का। मतलब ये पूरा कंप्लीट सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, हमको किससे काम है, हमको इसी चीज से काम है, एक 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। इसको आप अच्छे से डी से समझ पाओगे, जब डी आप रखोगे तो डी के इस तरफ 0 डिग्री होता है, डी के इस तरफ 90 डिग्री होता है और डी के इस तरफ 180 डिग्री होता है। ठीक है, और जस्ट इसका अपोजिट, जैसे 90 का अपोजिट होता है 270 डिग्री और 180 का अपोजिट होता है 360 डिग्री, 180 का अपोजिट होता है 360 डिग्री। ठीक है, आगे डिस्कस करें। उसके बाद जैसे मैंने बोला था कि ट्रायंगल में से भी कौन सा ट्रायंगल हमारे काम का है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम डिस्कस करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ये समकोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं इंग्लिश में। अ ट्रायंगल विच हैव वन एंगल एट अ 90 डिग्री इज कॉल्ड द राइट एंगल ट्रायंगल। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज। जैसे एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें एक कोण 90 डिग्री का, 90 डिग्री मतलब हिंदी में बोलते हैं लंबवत और इंग्लिश में बोलते हैं इसको परपेंडिकुलर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लंबवत, और इंग्लिश में परपेंडिकुलर। जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि ट्रायंगल में कितनी भुजाएं होती है, कितनी साइड होती है, तीन साइड होती है, तो सेम इसी तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल में भी तीन साइड होती है। तो कौन से साइड को क्या कहते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे ट्रायंगल की तीन साइड होती है तो राइट एंगल ट्रायंगल में भी तीन साइड होगी, वो तीन साइड को हम क्या क्या कहते हैं वो हम देखते हैं। जैसे साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज की भुजा। ठीक है, तो ट्रायंगल में कितनी भुजा होती है, तीन, एक दो तीन। एक भुजा को कहते हैं कर्ण, इंग्लिश में कहते हैं इसको हाइपोटेनियस। दूसरी भुजा को कहते हैं लंब, इंग्लिश में बोलते हैं इसको परपेंडिकुलर। तीसरी भुजा को कहते हैं आधार, इंग्लिश में कहते हैं इसको बेस। तीनों साइड के हमने नाम दे दिए, एक होता है हाइपोटेनियस, दूसरा होता है परपेंडिकुलर, तीसरा होता है बेस।
अब सर हाइपोटेनियस किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं, ठीक है? मतलब कर्ण, लंब और आधार कहाँ कहाँ पर होता है, देखो डिस्कस करते हैं। जैसे ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री पे क्या है आपका, सॉरी बी एंगल कितने डिग्री का है आपका, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का मतलब ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है? अब इन तीनों की पोजीशन देखते हैं कि तीनों पोजीशन कहाँ कहाँ पर होता है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, कर्ण या हाइपोटेनियस। जैसे आपका 90 डिग्री यहाँ पर है, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होगा, दैट इज अ कर्ण या हाइपोटेनियस, ठीक है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण या हाइपोटेनियस। सेम इसी तरीके से थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, लंब या फिर परपेंडिकुलर। थीटा की सामने वाली साइड क्या होती है, लंब या फिर परपेंडिकुलर। जैसे समझिए ये आपका ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है, ठीक है? यदि आपने थीटा यहाँ पर माना, थीटा मतलब कोई सा भी एंगल हो सकता है, कोई सा भी कोण हो सकता है। यदि आपने थीटा यहाँ माना तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी आपकी, लंब होगी। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। यदि आपने ए एंगल पर थीटा माना, समझना, यदि आपने ए एंगल पर थीटा माना तो अब आपका लंब कौन सा होगा, ये वाला बीसी वाली भुजा लंब होगी, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो ये आपका लंब होगा। फिर से बता रहा हूँ, यदि आपने सी पर थीटा माना तो ए बी आपका लंब होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। यदि आपने कोण ए को थीटा माना तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, मतलब बी सी आपका क्या होगा, लंब होगा। क्लियर है? तो आपको कर्ण पता चल गया कहाँ पर होता है, लंब पता चल गया कहाँ पर होता है। अब बात करते हैं आधार की। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में हमने भी देखा कि 90 के सामने वाला कर्ण होता है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो जो एक रिमेनिंग साइड बचेगी वही आपका क्या होगा, आधार होगा। जो एक तीसरी साइड बचेगी वही आपका क्या होगा, आधार होगा या बेस होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, तीनों साइड से परिचित हो गए। आगे देखते ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देयर आर द सिक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मतलब त्रिकोणमिति में टोटल छह फंक्शन होते हैं, ठीक है? छह फंक्शन कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो टोटल कितने फंक्शन होते हैं, छह, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक और कॉट थीटा। अब ये साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, सेक थीटा या कॉट थीटा क्या होता है, ये एक्चुअली में ये होता है साइड रेशो, ये होता है साइड रेशो, जिसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो, जिसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो। जैसे साइन थीटा या कॉस थीटा जो भी हो, इसे हम बोलते हैं साइड रेशो, और जिसे टॉपिक का नाम दिया जाए तो इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होता है, द रेशो ऑफ अ टू साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्री रेशो। मतलब समकोण त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के अनुपात को, समकोण त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजाओं के अनुपात को ट्रिग्नोमेट्री रेशो कहते हैं। समकोण त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजाओं के अनुपात को क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशो कहते हैं, ठीक है? जैसे सबसे पहले आपने क्या लिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया एबीसी, जिसमें ए आपका 90 डिग्री है, थीटा आपने यहाँ पर कंसिडर करा, ठीक है? यहाँ पर थीटा आपने कंसिडर करा, तो 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। थीटा के सामने वाला लंब और बचा हुआ क्या हो गया आपका, आधार, ठीक है? यदि आपसे किसी ने पूछा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, तो हमने अभी डिस्कस करा साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा जो भी हो, ये क्या होता है, दो साइड का रेशो। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका क्या है, दैट इज ए बी, और कर्ण क्या है आपका, ए सी। तो ये हो गया ए बी अपॉन में ए सी, ठीक है? साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है? सिमिलरली कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है आपका, बीसी, आधार क्या है, बीसी, और कर्ण क्या है आपका, एसी, कर्ण क्या है आपका, एसी। ऐसे देखा जाए तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है आपका, लंब बटे आधार मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपका, ए बी, और बेस कितना है आपका, बी सी। क्लियर हुआ? कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, मतलब कर्ण बटे लंब। तो हाइपोटेनियस मतलब कर्ण कितना है आपका, एसी, और लंब, लंब कितना है,
मतलब परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, तो ए सी अपॉन में ए बी। सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस मतलब कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है आपका ए सी और आधार कितना है आपका बी सी, आधार कितना है आपका बी सी। कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा बराबर होता है बी अपॉन में पी, बी मतलब बेस और पी मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, बी मतलब बेस और पी मतलब परपेंडिकुलर, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर आधार बटे लंब। तो आधार कितना है आपका बी सी और लंब कितना है आपका ए बी। इसके शॉर्ट फॉर्म लिया, जैसे परपेंडिकुलर का पी लिया मैंने, हाइपोटेनियस का एच लिया है और बेस का बी लिया है, ठीक है। तो जहां पर भी पी आएगा मतलब परपेंडिकुलर की बात हो रही है, जहां पर भी बी आएगा मतलब बेस की बात हो रही है, और जहां पर भी एच आएगा मतलब हाइपोटेनियस या कर्ण की बात हो रही है। यहां तक आप समझ पाए? इसको याद कैसे रखा जाए, इसको याद रखने का तरीका होता है पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले, मतलब यहाँ पर बी आएगा, यहाँ करेक्शन कर लेना, यहाँ पर आएगा बी, बी मतलब बेस, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, मतलब बी पी पी अपॉन में एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले, ठीक है। इस रेशो से क्या याद हो सकता है, देखो इसमें जो पहला रेशो रहता है वो आपका साइन थीटा के बराबर होता है, जैसे पी अपॉन में एच, तो पी अपॉन एच क्या होता है साइन थीटा, पी मतलब परपेंडिकुलर अभी बताया था और एच मतलब हाइपोटेनियस। सेकेंड वाला रेशो आपको कॉस थीटा बताता है, जैसे बी अपॉन में एच, बी मतलब बेस मतलब आधार, एच मतलब हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। थर्ड रेशो आपको बताता है टेन थीटा मतलब पी अपॉन में एच, पी मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब, एच मतलब हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। यदि इसको नीचे से रेशो देखा जाए तो नीचे से एच अपॉन में पी मतलब ये होता है कॉसेक थीटा, एच अपॉन में पी मतलब ये होता है कॉसेक थीटा, एच मतलब हाइपोटेनियस और पी मतलब परपेंडिकुलर। सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस मतलब एच अपॉन में बी। कॉट थीटा एच अपॉन में पी मतलब हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब। क्लियर है यहाँ तक? अब हम देखते हैं कि इन फंक्शनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा के बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जैसे साइन थीटा वन अपॉन कॉसेक थीटा होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। रिलेशन देख रहे हम सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बीच में, साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, या हम कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। ऐसे ही कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, मतलब कॉस थीटा बराबर वन अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, या फिर इसको उल्टा देखा जाए सेक थीटा बराबर होता है वन अपॉन कॉस थीटा, मतलब सेक और कॉस आपस में उल्टे होते, साइन और कॉसेक आपस में उल्टे होते, ठीक। सिमिलरली टेन थीटा बराबर होता है वन अपॉन कॉट थीटा, ठीक है, या फिर इसको उल्टा देखें तो कॉट थीटा बराबर वन अपॉन टेन थीटा, मतलब टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में इनवर्सली होते, सेक थीटा और कॉस थीटा आपस में इनवर्सली होते, कॉसेक थीटा और सेक साइन थीटा आपस में इनवर्सली होते। क्लियर है यहाँ तक? इसके आगे देखिए फोर्थ रिलेशन क्या होता है, फोर्थ रिलेशन में टेन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, और कॉट थीटा बराबर आपका होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। कैसे इसको प्रूफ करके दिखाता हूं, इसे साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सेम इसी तरीके से कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो आपने क्या करा, इसको इक्वेशन वन दे दो, इसको इक्वेशन टू दे दो, इक्वेशन वन में इक्वेशन टू का भी डिवाइड करोगे तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है पी अपॉन एच, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है बी अपॉन एच, एच से एच कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचेगा पी अपॉन में बी, और लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपका टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपका टेन थीटा। तो इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसको भी प्रूफ करके देखते हैं। जैसे कि हमको पता है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, सिमिलरली साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब लंब बटे कर्ण।
कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा का मान, साइन थीटा की जगह साइन थीटा का मान रख दिया, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर होता है, या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो कि इक्वेशन वन दे दो इसको, इक्वेशन टू दे दो, तो इक्वेशन वन में इक्वेशन टू का भाग लगाने पर या डिवाइड करने पर, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, बी अपॉन में एच, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, पी अपॉन में एच। तो एच से एच कैंसिल आउट हो गया, आपको क्या, आपके पास क्या बचा, बी अपॉन में पी, बी अपॉन में पी, बी अपॉन में पी मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब मतलब क्या होता है, That is a cot theta. That is a cot theta. तो हम इसके बेसिस पर बोल सकते हैं कि cot theta बराबर क्या होता है, cos theta upon में sin theta. Cos theta upon में sin theta. I hope आप इस रिलेशन को समझ पाए होंगे, ठीक है। इसके नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करें, नेक्स्ट टॉपिक है आपका पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किस ट्रायंगल पर एप्लीकेबल होगा, ओनली राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम ओनली किस ट्रायंगल पे एप्लीकेबल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, अदरवाइज किसी में भी नहीं लगती, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, ठीक है। मतलब किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग मतलब स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, लंब और आधार मतलब अदर टू साइड के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये आपका समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री है मतलब 90 के सामने वाला क्या हो गया कर्ण हाइपोटेनियस, ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला लंब मतलब ये परपेंडिकुलर, और बचा हुआ साइड क्या हो गया आपका बेस या आधार। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा, लंब का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। ये आपका आधार है तो आधार के स्क्वायर के बराबर। आई होप आप पाइथागोरस थ्योरम समझ गए होंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन कहां पर यूज करते हैं इसको समझो, जैसे कि आप ट्रिग्नोमेट्री में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के तीन आइडेंटिटी होती है। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है आज हम वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है, फर्स्ट आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका वन। इसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है वन, इसको प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ कैसे करते समझो, हम जानते हैं कि वी नो दैट कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। अब इस इक्वेशन में दोनों तरफ आप एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इस इक्वेशन में इस पाइथागोरस इक्वेशन में आप दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो, मतलब समीकरण में दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग देने पर टी हो गया एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, यहाँ पर पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये वन बचा। इन दोनों का स्क्वायर कॉमन है तो दोनों के स्क्वायर को मैंने कॉमन स्क्वायर ले ले, ये हो गया पी अपॉन एच, और यहाँ पर भी दोनों का स्क्वायर कॉमन है तो दोनों के स्क्वायर को हमने कॉमन ले ले, दैट इज बी अपॉन एच का होल स्क्वायर, ठीक है। पी अपॉन एच हमारे ट्रिक के अनुसार, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले के अनुसार, पी अपॉन एच मतलब क्या होता है, साइन थीटा मतलब पी अपॉन एच की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बी अपॉन एच तो हमारे ट्रिक के अनुसार बी अपॉन एच क्या होता है, कॉस थीटा, मतलब ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इस थ्योरम के अकॉर्डिंग या इस आइडेंटिटी के बेस पे बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका कितना होता है, ऑलवेज वन होता है, ठीक है, याद होगा ये, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, वन होता है,